we have been given this equation and this another logarithmic equation, then what is the value of p? तो हम पहली इक्वेशन को इसे सॉल्व करते हैं, 10 की पावर में log बेस p ऑफ log बेस q ऑफ log बेस r x. ओके, दिस इज़ इक्वल टू 1. 1 की जगह लिख सकते हैं 10 की पावर 0. तो मैं पावर कंपेयर कर दूंगा, तो log बेस p ऑफ log बेस q ऑफ log बेस r ऑफ x इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर रिमूव करूँगा, मैं लॉग हटाऊँगा, तो ये हो जाएगा पी की पावर 0. ये हो गया लॉग बेस क्यू लॉग एक्स बेस आर. ठीक है, तो पी की पावर 0 ये हो गया 1. फिर मैं क्यू हटाऊँगा तो ये बनेगा क्यू की पावर में 1 लॉग एक्स बेस आर. तो एक्स हमारा आ गया, ये सेम यहाँ पे बैठा देंगे, आर की पावर क्यू. ओके, ये एक्स की वैल्यू आ गई. अब जरा सेकेंड इक्वेशन में आते हैं जो हमने दिया है, लॉग बेस क्यू ऑफ लॉग बेस आर ऑफ लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू 0. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले क्यू हटाएंगे तो क्यू की पावर 0 हो जाएगा लॉग एक्स बेस पी. ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो r की पावर 1 कर देंगे, ये लॉग फंक्शन भी हट जाएगा, और देन फिर यहाँ से हटा देंगे x इज इक्वल टू पी की पावर r. ऑलराइट, अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हम लोग कंपेयर कर लेंगे, दे आर सेम, तो r की पावर q मस्ट बी इक्वल टू पी की पावर r. और लेट मी राइट, p की पावर r इज इक्वल टू r की पावर q. तो r th पावर ले लेंगे, 1 बाय आर पावर, जैसे पी आर है पावर 1 बाय आर, तो इधर भी 1 बाय आर, तो पी की वैल्यू कितनी आई, आर की पावर क्यू बाय आर. सो दिस इज आर आंसर, आर की पावर क्यू बाय आर, ए ऑप्शन.